इस वक्त हम बिट्टू बाबा के पास हैं। इनका फेमस नाम है और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के बांसड विधानसभा क्षेत्र के मनियर के निवासी हैं। पूर्वांचल विकास क्रांति पूर्वांचल क्रांति पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अभी इस दिनों पिछले दिनों आपने लोकसभा चुनाव का पर्चा भी भरा था लेकिन किसी कारणवश खारिज हो गया। विभिन्न मुद्दों पे बात होगी कि आखिर बिट्टू बाबा सरकार से सरकार की व्यवस्थाओं से क्यों संतुष्ट नहीं है। शिक्षा चिकित्सा कानून व्यवस्था इन सारी चीज़ों पे बात होगी। तो अभी आप कुछ कह रहे थे। जी मैं शशिकांत पांडे और बिट्टू बाबा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल क्रांति पार्टी। आज जो है हम देखते थे पहले 1991-92 में अपराधी थानों के रास्ते से नहीं गुजरते थे, उनको पुलिस की इतनी खौफ रहती थी कि डर से थाने के रास्ते नहीं गुजरते थे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि कोतवाली के सामने ही गला काट रहे हैं, इतना ज़बरदस्त अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अभी फिलहाल बांसडी में कोतवाली के सामने जो रोहित पांडे का कार्य मर्डर हुआ है वो अभी हाल फिलहाल का आप जानते ही हैं, पूरा ज़िला जानता है। ठीक कोतवाली के सामने उसकी हत्या कर दी गई। इतना अपराधियों का मनोबल इस सरकार में बढ़ा है यह चिंतनीय विषय, जबकि मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार साहसी योग्य और कर्मठ व्यक्ति है, इसके बाद भी इनकी धौंस इनकी व्यवस्था शासन व्यवस्था पर इनके धौंस का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इतनी पुलिस व्यवस्था नरम हो गई कि अपराधी सामने जो है हत्या करने लगे और पुलिस मुख्य दर्शक बन गई। उसमें तो न्याय मिला, उसमें कार्रवाई न्याय मिले की अलग ही बात है, लेकिन व्यवस्था ये है कि भाई पुलिस प्रशासन शासन का मतलब ये होता है कि बाघ और बकरी घाट पर पानी पिए, लेकिन वहाँ तो ये है कि प्रशासन के सामने जो प्रशासन के दरवाजे पर जो हत्या हुई है इसे ये सिद्ध होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मिशन में जो शक्ति का मिशन है कहीं ना कहीं से फेल हो रहे हैं। क्या चिकित्सा पे क्या था? चिकित्सा व्यवस्था उसकी हम इतना गहराई से तो नहीं इतना जानते हैं कि कोतवाली के सामने उसकी हत्या हुई नहीं, अब खुद हो गई इस पे कानून व्यवस्था। हाँ जी चिकित्सा व्यवस्था पर हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ रिगवन में 35 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ आज तक वो लमसम 2008 का बना हुआ है, आज तक कोई डॉक्टर नहीं गया। वो हॉस्पिटल में सारे बेड सड़ रहे हैं। मनियर में चिकित्सा केंद्र है, मैं 4 दिन चिकित्सा केंद्र पर गया, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, वहाँ डॉक्टर का कोई पता नहीं है। प्रसूतिकाओं के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है, भोजन की पानी की दूध की फल की व्यवस्था, वहाँ चाय तक नहीं मिलता है, बाहरी दवाएँ लिखी जाती है। प्रसूतिकाओं के लिए जो बनता है कार्ड वगैरह उसमें भी उन सबों को झेलाया जाता है। और आजकल चल रहा है सर्पदंश का मामला, अगर चिकित्सा अधिकारी हॉस्पिटल पर नहीं है तो कंपाउंडर वगैरह तो दवा कर नहीं पाएंगे। तो आए दिन इस तरह लोग हतोत्साहित हैं कि भाई वैक्सीन वगैरह नहीं है। अब वैक्सीन रहेगा लेकिन डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे तो वैक्सीन लगाएगा कौन। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहां फार्मासिस्टों के बल पर चल रहे हैं। ये व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, इस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले विधानसभा में इनको समर्थन दिया था, 2 सीट भी निकला था, और इन्हीं बातों की वजह से हम लोग नाराज होकर के और संसदीय चुनाव लड़ने के तैयार हुए, जिसमें इन लोगों ने हमारा पर्चा खारिज करवाया। नतीजा ये हुआ कि कहा जाता है कि बाभन से बॉयर कपटी से यारी कूस वाला खेत दामा के बीमारी बड़ी बाउर वाला, जब जब ब्राह्मण बोला है तब तब सिंहासन डोला है, पूर्वांचल तक ये लोग डोल गए। अभी तो चेत जाना चाहिए इन लोगों को। बिजली की व्यवस्थाएं हैं, बहुत लोगों के घर में कनेक्शन हो गया तार नहीं मिला और उनके यहाँ बिल आ रहा है, वो बेचारे गरीब किसके यहाँ जाएँ। सड़क की व्यवस्था नई नई सड़कें बन रही है, नए नए गड्ढे भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ शौचालय हर गांव में प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है कि हर घर में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छ भारत निर्मल भारत
विकसित भारत होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि मनियर से शुरू कीजिए, मनियर से पश्चिम सिकंदरपुर वाले रोड पर जाइए, चारों तरफ औरतें बैठ के शौच करती हैं, सुबह शाम निकलना मुश्किल हो गया है। आखिर व्यवस्थाएं कहाँ जाती है? दावा तो है ओडीएफ मुक्त हो गया है आकर, ये तो इन लोग का दावा है, आप खुद देख लीजिए वहाँ, ये लोग खुद चल करके देख ले, सुबह टहलना मुश्किल हो जा रहा है। सड़कों पर वृद्ध लोग जो टहलते हैं, नौजवान दौड़ते हैं, शौच करने वालों की वजह से लोग दौड़ना छोड़ दिए हैं, टहलना छोड़ दिए हैं, ये स्थिति है। गंदगी फैल रही है, परेशानियां तमाम तरफ है। शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था 1980 से क से कबूतर वाली पढ़ाई आज भी चल रही है। नतीजा ये है, कंप्यूटर का युग हो गया लेकिन कबूतर की पढ़ाई हो रही है सरकारी स्कूलों में। अब ये है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक तो TET पास हैं, लेकिन उनको जो है वही शिक्षा पहले वाली ही दी जा रही है कि आप वहीं पढ़ाइए, सिलेबस बदलना चाहिए। CBSE बोर्ड में हमारे पूंजीपतियों के विद्यालय जो चलते हैं उनमें जो है ये कोर्से पढ़ाए जा रहे हैं, जिसके वजह से वो अध्यापक भी अपने बच्चे को प्राइमरी में नहीं पढ़ाते, वो अधिकारी भी अपने बच्चे को प्राइमरी में नहीं पढ़ाते। नेताजी लोग तो पूछिए मत, ये लोग तो विदेश भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन उन गरीबों का क्या होगा? शिक्षा मंत्री को इस पर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आखिर ये पूंजीपतियों का विद्यालय है, दूसरी बात है बेकारी है, 10 लोग अगर कहीं बच्चों को जुटा करके पढ़ा रहे हैं तो शासन के तरफ से आ रहा है कि नहीं भाई इनको जो है सख्त बंद कराइए, जेल में भेजिए, उन बेरोजगारों को तो ये रोजगार दे दें, अपने आप बंद हो जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था अगर कर नहीं पा रहे हैं तो हम लोगों जैसे आदमी से राय लें, प्राथमिक विद्यालय में भी एडमिशन के लिए लाइनें लग जाएंगी, हम